अब देखते हैं कि आज की हिस्ट्री क्या कहती है, आज का इतिहास क्या है। आज भारतीय संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती है। वर्ष 1891 में आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी कुरीतियों का विरोध किया था और उन्हें समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के उत्थान के लिए याद किया जाता है। एक खास बात यह भी है कि हिल्टन यंग कमीशन को दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझावों के आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई थी। वर्ष 1951 में उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। जिस तरह भारत आज भी जातियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसे देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा को बहुत दुख पहुंचता होगा। वर्ष 1828 में आज ही के दिन पहली बार वेबस्टर डिक्शनरी का कॉपीराइट हुआ था। इस डिक्शनरी को अमेरिकी शिक्षाविद नोआ वेबस्टर ने 28 वर्षों में कंपाइल किया था। उन्हें 26 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने अपनी डिक्शनरी में सभी। खास बात यह है कि पहली वेबस्टर्स डिक्शनरी की सिर्फ 2500 कॉपीज ही बिकी थी और वेबस्टर को अपनी डिक्शनरी के सेकेंड एडिशन को छपवाने के लिए अपने घर को गिरवी रखना पड़ा था। वर्ष 1956 में आज ही के दिन अमेरिका के शहर शिकागो में पहली बार वीडियो टेप को दुनिया के सामने रखा गया था। उस समय गोल आकार की 2 इंच की वीडियो टेप को क्वाड्रूप्लेक्स या क्वाड के नाम से भी जाना जाता था। इस खोज ने टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में क्रांति का काम किया था, क्योंकि इससे पहले इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्डिंग के तमाम तरीके काफी महंगे थे। वर्ष 1894 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया के पहले मोशन पिक्चर हाउस यानी सिनेमा घर की शुरुआत हुई थी। उस समय फिल्में किनेटोस्कोप पर देखी जाती थी। ये एक ऐसा उपकरण था जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति किनेटोस्कोप के ऊपर लगे पीप होल व्यूअर विंडो से फिल्म देख सकता था। न्यूयॉर्क सिटी में खुले इस मोशन पिक्चर हाउस में दर्शकों के लिए ऐसे 10 किनेटोस्कोप लगाए गए थे, यानी एक बार में एक साथ 10 लोग फिल्म देख पाते थे। 1919 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिकाओं में से एक शमशाद बेगम का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। शमशाद बेगम ने अपने करियर में 6000 से ज्यादा गीत गाए। और वर्ष 1912 में आज ही के दिन रात करीब 11:40 पर मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक एक ग्लेशियर से टकरा गया था और इस दुर्घटना के बाद अगले दिन सुबह होने तक टाइटैनिक समुद्र में डूब गया और करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। यहाँ एक खास बात यह है कि टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस जमाने में करीब $7.5 मिलियन यानी 49 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन टाइटैनिक की दुर्घटना पर आधारित फिल्म को बनाने में करीब $200 मिलियन यानी करीब 1330 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखिए।